आत्मा पावन आत्मा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा के आदर में नवेना का चौथा दिन है। मैं इस प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यूहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु येसु मसीह कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे लिए संकेत है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं ज़रूर, लेकिन हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, खुशी, आनंद नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का वरदान है। और इसलिए हम अनुभव करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, एक तरह से जीवन ही बदल जाता है। तो आइए इस नवीना प्रार्थना में हम विशेष करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम गीत में भाग लेते हैं। दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ,
आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो, तो वह मेरे पास आए, तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए, और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल, हमें पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार, तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके, उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के सात वरदान, हमें पवित्र आत्मा के सात वरदान, प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए, बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके, यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्मय दान, प्रदत्त करिश्मय दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के, तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके, सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन, आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने, हे पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जुता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ।
आइए हम प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। हम उस ईश्वर की आत्मा के अधीन हो जाएं। इस नवेना के दौरान पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, हमें अपने अभिषेक के द्वारा एक ताजा सृष्टि बनाए। पेंतेकोस्त के दिन जिस तरह शिष्यों को पवित्र आत्मा ने अपने आग से शुद्ध और पवित्र किया, अपने सामर्थ्य से भर दिया, उसी तरह इस नोवेना के दौरान प्रभु हमें स्पर्श करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नोवेना के दौरान हम पवित्र आत्मा के फल पर मनन चिंतन कर रहे हैं। अगला फल है सहनशीलता। सहनशीलता एफेसियों के पत्र के अध्याय 4:2 में संत पौलुस कहते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। सहनशीलता पवित्र आत्मा का फल है। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, हमारे अंदर सहनशीलता आ जाती है। सहनशीलता 3 स्तर पे, सबसे पहले अपने दुखों को सहने की शक्ति। कई लोगों के अंदर दुख सहने की शक्ति नहीं है। छोटे छोटे दुखों के समय वे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। अपने दुखों को सहने की शक्ति, सहनशीलता। हम प्रभु येसु को देखेंगे। येसु के अंदर पवित्र आत्मा कूट कूट कर भरा हुआ था। पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र येसु के अंदर था। येसु के जीवन में कितना दुख येसु को सहना पड़ा, विशेष करके उनके दुखभोग के दौरान उनको कितना दुख झेलना पड़ा, कितना शारीरिक दुख झेलना पड़ा, कितना मानसिक दुख झेलना पड़ा, कितना तिरस्कार झेलना पड़ा। उन सारे दुखों को येसु सहनपूर्वक चुपचाप सह पाए। तो सहनशीलता का तात्पर्य है सबसे पहले अपने दुखों को सहन करने की शक्ति। येसु के मुंह से एक शब्द में नहीं निकला, दुखों को सहते गए, सहते गए, सहते गए। इसायास नबी अध्याय 53 में लिखा हुआ है, वध के लिए ले जाए जा रहे मेमने की तरह वो मौन रहे, चुप रहे। येसु ने दुख सहा, उसको सहने की शक्ति उनके अंदर थी। एक दूसरा सुंदर उदाहरण है संत अल्फोंसा। संत अल्फोंसा ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु मुझे दुख दीजिए, जबकि सारा संसार ये प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे दुख को ले लीजिए। तो संत अल्फोंसा ने ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दुख दे दीजिए, और उन्होंने दुख को पूरे धैर्य के साथ सहन किया, पूरे धैर्य के साथ सहन किया। अपने दुखों को सहन करना सहनशीलता का पहला मतलब यह है। दूसरा तात्पर्य है दूसरों को सहन करना, दूसरों की कमियों को सहन करना, कमजोरियों को सहन करना, दूसरों के तिरस्कार को सहन करना, यहां तक कि दूसरों के मौन को सहन करना। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें आदान प्रदान के समय कई प्रकार की चोटें मिल जाती हैं, शब्दों के द्वारा, यहां तक कि मौन के द्वारा, कार्यों के द्वारा हमें दूसरों से बहुत सारी चोटें खानी पड़ती है। उन सारे क्षणों में धैर्य पूर्वक उसको सहने की शक्ति, यह सहन शक्ति, सहनशीलता। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पर हम उन सारी बातों को स्वीकार कर पाएंगे, विशेष करके अपने पति की कमजोरी, पत्नी की कमजोरी, पति की बुरी आदतें, पत्नी की बुरी आदतें, बच्चों की बुरी आदतें, बच्चों का तिरस्कार, पति का तिरस्कार, पत्नी का तिरस्कार, उसको सहने की शक्ति, दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने की शक्ति, इसको हम सहनशीलता कहते हैं। तीसरा स्तर है ईश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करने की शक्ति। ईश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करने की शक्ति। कब प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे? मैं प्रभु को पुकार रहा हूं लेकिन प्रभु सुन नहीं रहे हैं। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। इब्राहिम ने 24 साल तक प्रभु की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा की, उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा की। रोमियों के पत्र के अध्याय 4:18-20 तक पढ़िएगा। 18 में लिखा हुआ है,
इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। यह सहनशीलता है कि प्रभु की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूर्ण होगी, ऐसा विश्वास करना। मां मरियम का उदाहरण लीजिए। स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। आगे स्वर्गदूत ने कहा उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर शासन करेगा। लेकिन मां मरियम के सामने उसका एकमात्र बेटा, जिसके बारे में ये प्रतिज्ञा हुई थी, क्रूस पर लटका हुआ है, तड़प तड़प कर मर रहा है। मरियम के अंदर वो सहन शक्ति थी, सहनशीलता थी कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, सहनशीलता, अपने दुखों को सहने के लिए शक्ति, दूसरों की कमियों को सहने के लिए शक्ति, प्रभु की के प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करने की शक्ति। हम इसके लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझे अभिषेक दीजिए, मेरे परिवार के लोगों को अभिषेक दीजिए, एक दूसरे को सहने के लिए हमें कृपा दीजिए, एक दूसरे की कमजोरी को नजरअंदाज करने के लिए हमें कृपा दीजिए, अपने व्यक्तिगत दुखों को सहने के लिए हमें शक्ति दीजिए, ईश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करने के लिए हमें शक्ति दीजिए, सहन शक्ति का वरदान दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा।